हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीसीए फोर्थ सेमेस्टर में विजुअल बेसिक में कन्वर्जन फंक्शन के बारे में, जो कि हमारा इनबिल्ट फंक्शन के अंदर आता है। अब तक जो हम इनबिल्ट फंक्शन में डिस्कस कर चुके हैं वो हम स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, न्यूमेरिक फंक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और फॉर्मेट फंक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कन्वर्जन फंक्शन के बारे में। तो कन्वर्जन फंक्शन से इस वर्ड से ही प्रॉपर डिफाइन हो रहा है कि कन्वर्जन में हम कुछ कन्वर्ट करना चाह रहे हैं या हम किसी चीज़ को कन्वर्ट कर रहे हैं। सो कन्वर्जन फंक्शन के बारे में आइए डिस्कस करते हैं कि कन्वर्जन फंक्शन जो होता है वह क्या टास्क परफॉर्म करता है। कन्वर्जन फंक्शन अलाउ यू टू कन्वर्ट अ नोन वैल्यू टू अनदर टाइप ऑफ विजुअल बेसिक, प्रोवाइड्स अ फंक्शन नेम्ड सी टाइप। यानी कि कन्वर्जन फंक्शन जो होता है वह यूज़र को अलाउ करता है कि वह कन्वर्ट करे नोन वैल्यू को टू द अनदर टाइप ऑफ विजुअल बेसिक डेटा टाइप, यानी कि विजुअल बेसिक के अनदर डेटा टाइप में वह इसको चेंज करे या फॉर्मेट में चेंज करे, एंड अ फंक्शन नेम्ड सी टाइप। और जिस फंक्शन की हेल्प से हम उसको कन्वर्ट करते हैं वह फंक्शन का नेम होता है हमारा सी टाइप। ठीक, यानी कन्वर्जन फंक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे। अब इट्स सिंटैक्स इज़, उसका सिंटैक्स देखें आप, सी टाइप ब्रैकेट में एक्सप्रेशन कॉमा टाइप नेम, एक्सप्रेशन कॉमा टाइप नेम। अगर हम कन्वर्जन फंक्शन के फर्स्ट टाइप की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टाइप आता है सी इंट, सी इंट। अब आप देखें यहाँ पर डिम एल वैल्यू एज इंटीजर, यहाँ पर एल वैल्यू जो है डिम जो होता है वो हम यहाँ पर वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए जनरली यूज़ करते हैं। डिम एल वैल्यू जो है, एल वैल्यू हमारा वेरिएबल है यहाँ पर जिसको हमने इंटीजर टाइप में लिया है। अब एल वैल्यू इज इक्वल्स टू सी इंट 8.5, सी इंट 8.5, यानी कि 8.5 हमारा जो डेटा है वो हमारा फ्लोट टाइप में है, यानी कि डेसिमल टाइप में है। सी इंट के हेल्प से हम उसको क्या कर रहे हैं, इंटीजर टाइप डेटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर सी इंट ब्रैकेट में 8.5 लिख दिया, तो यहाँ पर हमारा इनपुट आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, सिंपल 8। ठीक, क्योंकि वह उसको कन्वर्ट कर दिया उसने इंटीजर टाइप डेटा में। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने कन्वर्जन फंक्शन के टाइप की तरफ, जिसका नाम है सी डबल, सी डी बी एल, यानी कि डबल। अब हम बात करें फंक्शन सी डी बी एल फंक्शन कन्वर्ट्स एन एक्सप्रेशन इनटू एन डबल डेटा टाइप, यानी कि यह इसको डबल डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। अब आप देखें डिम डी बी एल एज डबल, यानी कि डी बी एल वन जो है यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसको एज डबल हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है। देन अगेन हमने क्या किया है, डिम डी बी एल टू एज डबल, यानी कि डी बी एल टू को भी हमने वेरिएबल जो है एज अ डबल टाइप हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है। अब आप देखें यहाँ पर हम वैल्यू इनिशलाइज कर रहे हैं, डी बी एल वन इज इक्वल्स टू सी डी बी एल ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कोमा में 5.000001, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज। ठीक, यानी कि इसके लिए हमने वैल्यू इनिशलाइज कर दी यहाँ पर इसको। यानी अब हम देखें डी बी एल टू इज इक्वल्स टू सी डी बी एल ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन देन डबल इन्वर्टेड कॉमा में 1.000001 मल्टीप्लाई बाई 1.000001। अब आप देखें यहाँ पर इसका जो आउटपुट आएगा सिंपल, वो फर्स्ट डी वी एल वन का, डी वी एल वन को जो हम डबल में कन्वर्ट कर रहे थे उसका जो हमारे पास सिंपल आउटपुट आएगा वो हमारे पास आएगा 5.000001, यानी कि एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। सिंपल क्या होगा, डी बी एल टू में हम मल्टीप्लिकेशन करा रहे थे 1.0001 की 1.0001 से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें जब हमने मल्टीप्लाई कराई तो हमारा रिजल्ट जो है वो डबल में इस तरीके से हमारे पास अवेलेबल होगा 1.0002001। इस तरीके से ये हमारे पास डबल में डेटा हमें वापस मिल जाएगा। देन वेल फंक्शन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो कन्वर्जन फंक्शन का टाइप आता है वो हमारे पास आता है वेल फंक्शन। तो रिटर्न्स द नंबर कंटेंट इन अ स्ट्रिंग एज अ न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ अप्रोप्रिएट टाइप, यानी कि यह हमें
नंबर जो होता है जो उसमें वैल फंक्शन में अवेलेबल होते हैं इन स्ट्रिंग स्ट्रिंग के फॉर्म में एज अ न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू हमारे पास अवेलेबल होती है स्ट्रिंग की फॉर्म में। तो यहाँ पर देखें इसका जो सिंटैक्स होता है हमारे पास अवेलेबल, वह हमारे पास होता है वैल स्ट्रिंग, यानी कि वैल्यू हमारे पास जो है न्यूमेरिक फॉर्म में वह हमारी स्ट्रिंग फॉर्म में होगी। अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास दे रखा है वैल डबल इन्वर्टेड कॉमा। डबल इन्वर्टेड कॉमा इसलिए लगाते हैं क्योंकि स्ट्रिंग को हमेशा हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लेते हैं, यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिया 1.5 तो इसका आउटपुट हमें जो मिलेगा वह 1.5 ही हमें मिलेगा। देन वैल ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमने ले रखा ए 1, 2, 3, देन इसका आउटपुट मिलेगा हमें 0। 0 यहाँ पर हमारा आउटपुट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो डेटा है वह मिक्स्ड है अल्फाबेट के साथ, इसलिए यहाँ पर डेटा जो है वह प्रॉपर न्यूमेरिक डेटा नहीं है, इसलिए वह हमारे लिए 0 प्रिंट करेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल में सपोज़ कीजिए 1, 2, 3 और बीच में हमारा अल्फाबेट अवेलेबल हो तो वह अल्फाबेट से पहले का डेटा हमें डिस्प्ले करा देता है, बाद का डेटा जो होता है वह हमें डिस्प्ले नहीं कराता। यानी कि यहाँ पर दे रखा है हमारे पास 1, 2, 3 ए 4, 5, 6 तो वह हमें ए से पहले का डेटा यानी कि 1, 2, 3 जो है वह हमें प्रिंट करा देगा। सेम थिंग क्या होता है जब हमारे नंबर्स के बीच में कोमा आ जाता है तो वह हमें स्ट्रिंग में कोमा से पहले का डेटा अवेलेबल करा देता है, कोमा का डेट का बाद का डेटा वह हमारे पास अवेलेबल नहीं कराता। तो यहाँ पर देखें आप वेल ब्रैकेट ओपन देन डबल इन्वर्टेड कोमा में दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो उसने क्या करा 1, 2, 3 हमारे पास अवेलेबल हमें करा दिया। अब आप देखें वेल अगर हम 5 greater than 10 बट इट इज़ नॉट इन स्ट्रिंग टाइप, यहाँ पर कंडीशन आ रही है और ये कंडीशन हमारी स्ट्रिंग टाइप में नहीं है तो यहाँ पर क्या करेगा वह, एक तो ये कंडीशन की वजह से प्रिंट नहीं होगा और दूसरा ये ना ही हमारा स्ट्रिंग फॉर्म है यानी कि ना ही ये हमारा इस डबल इन्वर्टेड कोमा में है, इसलिए यहाँ पर वह हमें 0 प्रिंट करा देगा। देन नेक्स्ट की अगर बात करें तो वेल ब्रैकेट में दे रखा डबल इन्वर्टेड कॉमा में HFF यानी कि ये क्या करेगा हेक्साडेसिमल डेटा को हमारा डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि यहाँ पर ये हमें दे देगा HFF को 255 यानी कि इसको ये कन्वर्ट करके 255 इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल यह हमें रिटर्न करा देगा। तो यहाँ पे आपने देखा वेल फंक्शन में क्या होता है, वेल फंक्शन में जनरली वह हमारा जो डेटा हमारे पास होता है उसको वह मैथमेटिकल वैल्यू जो होती है वो हमें स्ट्रिंग टाइप में है तो वह आउटपुट प्रिंट कराएगा। अदरवाइज़ क्या होता है अगर हमारे पास डेटा है मैथमेटिकल टाइप और उसके साथ कुछ हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी ऐड हैं तो वहाँ पर वह 0 प्रिंट करा देगा। अगर हम यहाँ पर डेटा लेते हैं विदाउट इन्वर्टेड कोमा यानी कि विदाउट स्ट्रिंग टाइप तो वह क्या करेगा वहाँ पर भी 0 प्रिंट करा देगा। तो इस तरीके से ये ना तो अब स्ट्रिंग जो होती है अपने अंदर कंडीशन को प्रिंट कराती हैं और ना ही डबल अपने फॉर्मेट से अलग हट के कुछ प्रिंट कराती हैं। तो यह था हमारा वेल फंक्शन। अब हम नेक्स्ट फंक्शन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह हमारा सी डेट फंक्शन। सी डेट फंक्शन में क्या होता है रिटर्न द एक्सप्रेशन कन्वर्टेड टू अ डेट वेरिएंट सब टाइम वेरिएंट, यानी कि यह हमारे एक्सप्रेशन को कन्वर्टेड कराता है डेट फॉर्मेट में। तो आप देखें यहाँ पर सब टाइप वेरिएंट यानी कि उसका जो सब टाइप वेरिएंट होता है यानी कि उसका जो फॉर्मल क्राइटेरिया होता है वह उसमें उसको प्रिंट करा देता है। अब आप यहाँ देखें सी डेट यानी कि कन्वर्ट डेट ब्रैकेट में लिखा है डबल इन्वर्टेड कोमा में अप्रैल 30 टू 20 यानी कि अप्रैल जो है वो फोर्थ मंथ है तो इसको वह प्रॉपर फॉर्मेट में प्रिंट करा देगा यानी कि 30/04/220 यानी कि अप्रैल जो है वो फोर्थ मंथ होता है यानी कि 30th date of 4th month year 220। देन नेक्स्ट हम बात करें अगर हम इस फॉर्मेट में ना प्रिंट करा के अगर हम इस फॉर्मेट में प्रॉपर फॉर्मेट में अगर एंट्री कराते हैं तो भी वह इसी फॉर्मेट में प्रिंट कराएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है सी डेट 30th April 220 लगाकर, तो यहाँ पर भी वह इस चीज़ को एज अ मंथ फोर्थ यानी कि 30th date of 4th month year 220 इसको ऐसे ही वह यहाँ पर प्रिंट करा देगा। तो यह हमारा सी डेट फंक्शन होता है कन्वर्जन में, जो कि
प्रॉपर डेटा जो होता है उसको वह अपने ही डेट फॉर्मेट में प्रिंट कराता है, यानी कि न्यूमेरिक डेट फॉर्मेट में प्रिंट कराता है। अगर हमारा डेटा हमारे पास डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में अवेलेबल है तो भी वह उसको न्यूमेरिक फॉर्मेट में डेट की प्रिंट करा देगा। अगर हम उसको स्लैश की फॉर्म में प्रॉपर डेट फॉर्मेट में, अगर स्लैश की फॉर्मेट में भी अगर हम स्ट्रिंग टाइप डेटा लेते हैं तो भी वह उसे न्यूमेरिक फॉर्मेट में ही डेट की प्रिंट कराएगा। तो यह हमारा डेट कन्वर्जन होता है जिसकी हेल्प से हम डेट को उसके प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जो पढ़ा वो हमने कन्वर्जन फंक्शन के बारे में पढ़ा कि हमारा कन्वर्जन फंक्शन जो होता है वह हमारे वैल्यूज़ को प्रिंट कराता, वैल्यूज़ को कन्वर्ट कराता है विजुअल बेसिक के वन टाइप से अनदर टाइप में। यहाँ पर इंट में हम किस तरीके से वैल्यू को अपनी सी इंट की हेल्प से इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करते हैं वे आपने देखा, एक एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है आपको। जब हम इंट में फ्लोट टाइप का डेटा लेते हैं और उसे सी इंट की हेल्प से कन्वर्ट कराते हैं इंटीजर टाइप में तो वह हमारा इंटीजर टाइप में 8 प्रिंट करा देता है। और यहाँ पर सी डबल में क्या देखा कि कन्वर्ट जब हम डबल फंक्शन में कराते हैं उसको तो वह क्या करता है, डेटा को डबल फंक्शन में एज इट इज़ प्रिंट करा देता है, डबल फंक्शन यानी कि फ्लोटिंग फॉर्म में। अब आपने देखा यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिए हैं DVL1 देन DVL2। DVL1 में हमने क्या लिया, डेटा में हम उसको डबल में कन्वर्ट करा रहे हैं, यानी कि हमने लिया 5.00 फाइव टाइम्स 0 देन 1। अब हमने देखा DVL2 में हमने जो लिया वो हम उसको जो कन्वर्ट करा रहे हैं DVL फॉर्मेट में फंक्शन में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1.04 टाइम्स 0 देन 1 इंटू 1.4 टाइम्स 0 इंटू 1। अब इसका आउटपुट हमारे पास किस तरीके से अवेलेबल होगा, फर्स्ट आउटपुट जो है वो हमारे पास DVL1 का एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, देन सेकेंड वो मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करेगा तो हमारे पास जो DVL2 का आउटपुट आएगा वो आएगा 1.00002000001। इस तरीके से हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। वेल फंक्शन में क्या होता है कि वेल फंक्शन में हमारे पास जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में अवेलेबल होती है। अगर वह न्यूमेरिक वैल्यू स्ट्रिंग फॉर्मेट में अवेलेबल है तो वह इसको एज इट इज़ प्रिंट करा देगा। अदरवाइज क्या होता है, अगर उसके साथ इंग्लिश अल्फाबेट मिक्स होते हैं तो वह इसकी आउटपुट 0 देता है, या यहाँ पर कोई कंडीशन उसके साथ मिक्स होती है तो वहाँ पर वह 0 प्रिंट करा देता है, ठीक। और अगर अल्फ़ाबेट हमारा बीच में आ जाता है तो वह अल्फ़ाबेट से पहले का डेटा प्रिंट करा देता है। डेट फंक्शन में क्या होता है कि वह स्ट्रिंग टाइप डेट फॉर्मेट से न्यूमेरिक टाइप डेट फॉर्मेट में हमारे डेट को कन्वर्ट कर देती है। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।